पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम की क्लास लगाई है। उन्होंने बाबर की बल्लेबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो विराट और राहुल की तरह मैच विनर नहीं है। वो रन बनाते हैं तो धीमी गति से बनाते हैं, जबकि विराट और केएल जैसे भारतीय बल्लेबाज सिचुएशन के हिसाब से रन बनाते हैं और टीम को मैच जिता कर आते हैं। लेकिन बाबर आजम के साथ ऐसा नहीं है। शाहिद अफरीदी का मानना है कि बाबर जब बल्लेबाजी के लिए जाते हैं तो हमें ये फीलिंग नहीं आती कि हम मैच जीतने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ मिली टूर्नामेंट की तीसरी जीत में टीम के कप्तान बाबर आजम का योगदान बल्ले से मामूली था, क्योंकि उन्होंने 16 गेंदों में एक चौके की मदद से महज 9 रन बनाए। इस पारी के बाद पाकिस्तान के एक चैनल पर शाहिद अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम का रन बनाना अलग चीज है और उसके स्कोर से मैच जीतना अलग चीज है। विराट और केएल वगैरह क्या करते हैं, वो अपने रन भी करते हैं, बॉल भी खेल जाते हैं और टीम को मैच भी जिता जाते हैं। शाहिद ने यह भी कहा कि बड़े प्लेयर वाली बात उनमें नजर नहीं आती। शाहिद अफरीदी ने आगे कहा कि मैंने बाबर को लेकर पहले भी बात की है, फैंस को कई बार पसंद नहीं आता, मैं भी उसका फैन हूं, लेकिन ये है कि कभी कभार लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि आपकी क्या चाहत है। अगर बाबर बड़ा प्लेयर है तो उसे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना होगा। हमको लगना चाहिए कि बाबर आजम अगर मैदान पर जा रहा है तो हम जीतने जा रहे हैं। हमें वो फीलिंग नहीं आती जब वो बल्लेबाजी के लिए जाता है। हमें ये फीलिंग आती है कि ये 50-60 रन बनाकर आ जाएगा, लेकिन ये फीलिंग नहीं आती कि वो मैच जिता कर आए। हमें वो प्लेयर चाहिए जो अंदर जाए तो मैच जिता कर लौटे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।